So, आपने भी गॉड ऑफ वॉर खेला है, राइट? तो अगर आपको भी इसकी स्टोरी समझ में नहीं आई, सो वेलकम टू fevergrasp.com और आज हम बताएंगे गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी। So, इस गेम के इवेंट से पहले क्रेटस रहता है कैप्टन स्पार्टन आर्मी का, और क्रेटस बहुत ही खतरनाक स्पार्टन रहता है जो अपनी आर्मी को विक्ट्री पे विक्ट्री दिलाता रहता है। लेकिन एक बार क्रेटस की आर्मी की बारबेरियन किंग के साथ जंग होती है और उस जंग में क्रेटस नियरली हार जाता है। इस जंग में बारबेरियंस रहते हैं हजारों की तादाद में और वो पूरी आर्मी को बिना दया खाए खत्म कर देते हैं और एंड में क्रेटस को भी। क्रेटस एक जाबाज कैप्टन बारबेरियन के सामने हार रहा रहता है, लेकिन क्रेटस ऐसा कैप्टन है जिसके लिए विक्ट्री सबसे ज्यादा मायने रखती है, खुद से भी ज्यादा। उसी वक्त क्रेटस आवाज लगाता है एरिस को। एरिस, डिस्ट्रॉय माय एनिमीज एंड माय लाइफ इज योर्स। खत्म कर दो मेरे दुश्मनों को और मेरी जिंदगी तुम्हारी होगी। एरिस गॉड ऑफ वॉर है ग्रीक माइथोलॉजी का, और वो आता है क्रेटस को फिर बचाने। एरिस मान जाता है और क्रेटस के ट्रूप्स को बचा लेता है बारबेरियन आर्मी को मार के, और क्रेटस अपनी जिंदगी एरिस के नाम कर देता है। माय लाइफ इज योर्स एरिस, फ्रॉम दिस डे आई शैल कैरी फोर्थ योर विल। फिर एरिस क्रेटस को दे देता है ब्लेड ऑफ केओस। फिर ये ब्लेड्स क्रेटस की हाथों में बंध जाती है एज अ साइन कि क्रेटस अब स्लेव बन चुका है एरिस का। एरिस क्रेटस को एक परफेक्ट वॉरियर और एक सर्वेंट बना देता है अर्थ पे, और बदले में बस उसको लॉयल्टी चाहिए। और फिर एक रिन्यूड क्रेटस चला जाता है उसी मोमेंट में जब वो बारबेरियन किंग के सामने था, और उसे इस बार मार देता है अपने ब्लेड ऑफ केओस से। और फिर क्रेटस और भी खतरनाक बन जाता है, और फिर एरिस उससे सरेआम कत्लेआम करवाने लगता है। और इसी दौरान एरिस क्रेटस को पहुंचा देता है एक विलेज पे जहां पे अथीना के वर्शिपर्स रहते हैं। अथीना जो गॉडेस ऑफ रीजन है, और क्रेटस को बिना बताए एरिस यहाँ पे क्रेटस की वाइफ और उसकी चाइल्ड को ले आता है, और वो दोनों खून से लथपथ रहते हैं। क्रेटस सबको मारता है और उसी में गलती से वो अपनी फैमिली को भी मार देता है। एरिस सोचता है ऐसा करने से वो अब एक परफेक्ट वॉरियर बन जाएगा। With your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But the plan backfired, और क्रेटस एरिस से बदला लेना चाहता है और गॉड ऑफ वॉर को मारने की ठान लेता है। और फिर एक सर्वाइविंग विलेज ओरेकल ने क्रेटस को श्राप दे दिया कि उसकी स्किन अब कोटेड हो जाएगी उसकी फैमिली की एशेस से, और इसी की वजह से उसको मिलता है व्हाइट अपीयरेंस और एक नाम जो हमेशा उससे जुड़ जाता है, द घोस्ट ऑफ स्पार्टा। और फिर कई सालों तक क्रेटस सर्व करने लगता है रेस्ट ऑफ द गॉड्स को, क्योंकि अब उसे नाइटमेयर्स आते हैं, वो मेमोरीज जो उसने अपनी फैमिली के साथ किया। वो सोचता है कि बाकी गॉड्स उसे इससे बचा लेंगे। बट फिर नन अनदर देन एथीना उसे एक ऑफर करती है कि एरिस को मार दो और तुम बच जाओगे। Complete this final task and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. और फिर क्रेटस को पता चलता है पेंडोरा बॉक्स के बारे में। पेंडोरा बॉक्स एक मिस्टिकल आर्टिफैक्ट है जो पावर रखता है एक गॉड को मारने का। Only one item in the world will allow you to defeat a god. Pandora's box.
which lies far beyond the walls of Athens, hidden by the gods across the desert to the east. But be warned, Kratos. Many have gone in search of Pandora's box. None have returned. और क्रेटस उस पैंडोरा बॉक्स को ढूंढ निकालता है, लेकिन विक्ट्री बहुत थोड़ी देर के लिए मिलती है, क्योंकि एरिस उसे हर वक्त देखता रहता है और उसे पता चल जाता है, और फिर एरिस सरप्राइजिंगली अटैक करके क्रेटस को मार देता है। मरने के बाद क्रेटस अंडरवर्ल्ड में चला जाता है, लेकिन उसकी जर्नी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, और फिर वो किसी तरह से अंडरवर्ल्ड से भी बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद क्रेटस एथेंस चला जाता है और वहां पे एरिस का इंतजार करता है। क्रेटस returned even from the underworld. Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war? और फिर गेम के फाइनल एनकाउंटर में क्रेटस खोल देता है पैंडोराज बॉक्स को और इसकी पावर्स उसे मिल जाती है, और उसके पास न्यूली ऑब्टेंड ब्लेड ऑफ गॉड्स भी रहती है। I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. और फिर क्रेटस एरिस को मार देता है। The city had been saved and would thrive again. फिर एथीना क्रेटस को माफ कर देती है, लेकिन उसके नाइटमेयर्स अभी भी नहीं गायब हुए रहते हैं। We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. और फिर क्रेटस निराश हो जाता है। लेकिन अथीना के पास क्रेटस के लिए कुछ और ही प्लान रहता है। एरिस के मरने के बाद उसकी थ्रोन खाली रहती है, और अथीना उसे ऑफर करती है एरिस की थ्रोन। और फिर उस दिन के बाद द घोस्ट ऑफ स्पार्टा क्रेटस, एक मॉर्टल जिसने गॉड को मार दिया, बन जाता है नया गॉड ऑफ वॉर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने गेमिंग बडी के साथ, और सपोर्ट करें फीवर ग्रास्ट को सब्सक्राइब करके।